हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा में जो वार्षिक बजट है 2021-22 का, उसे पेश किया गया है। अब हम बात करें बजट क्या होता है। बजट भाई किसी भी राज्य का, देश का, कहीं को सामान्य तौर पर हम बात करें एक घर का, बहुत ही महत्वपूर्ण जब पहले होता है, जहाँ हमने पैसा से जो इन्वेस्ट करना है, कुछ चीज़ खरीदनी है या कुछ चीज़ हमें जो सामाजिक भलाई के लिए मेडिकल्स वगैरह में, उसमें एग्रीकल्चर लैंड्स में, स्पोर्ट्स में हमें कितना बजट दिया, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी होती है एक राज्य के तौर पर, एक देश के तौर पर। यहाँ हम बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा वित्त विभाग में प्रमुख रूप से विधानसभा में अपना दूसरा बजट 12 मार्च 2021 को घोषित किया गया था। अब हम बात करें राज्य का में दूसरी बजट पेश करने में टैब का प्रयोग किया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस में पर टैब के द्वारा इसका उपयोग किया गया, जहां एक कारण से कोरोना के संक्रमण को रोकना था, वहीं हरियाणा सरकार को पेपरलेस कार्रवाई और उठाया गया एक कदम था। भाई अगर से हरियाणा का ऐसा कौन सा विभाग है जो पेपरलेस कार्य पर करता है, तो भाई ITI हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI एक ऐसा विभाग है जो हरियाणा का पेपरलेस विभाग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है बजट के क्षेत्र में प्री बजट पर चर्चा तथा विभिन्न सदस्यों के सुझाव दिए गए। प्री बजट पर चर्चा करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बन गया है। देखिए क्वेश्चन यह बनता है, प्री बजट पर चर्चा करने वाला बजट पेश करने से पहले तोसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन। हम बात कर रहे हैं जो पिछला बजट हम जो पेश किया गया था, जो वर्तमान में हम बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा कि इसमें बताया गया है कि राज्य का GDP सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हैं 2020-2021 से 528,770 करोड़ रुपये हैं। GDP की जो बात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, और इसके नेक्स्ट हम बात करें राज्य के सकल घरेलू उत्पाद GDP में स्थित कीमतें का नकारात्मक वृद्धि 5.7% रही हैं। अब हम बात करते हैं राज्य में चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुमानित था 7,64,875 करोड़ रुपये माना जाता था। अगला क्वेश्चन है राज्य में चालू कीमतों पर सकल घरेलू अनुपात कितना नकारात्मक रहा है। 2% इसका प्रभाव नकारात्मक पड़ा है। अब हम बात करें कि पिछला जो बजट है, पिछले बजट वर्तमान बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो भाई 13% की वृद्धि हुई। बजट में 38,718 करोड़ से पूंजीगत से 1,16,900 करोड़ रुपये का राजस्व पर खर्च किया गया। हरियाणा सरकार के द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया गया है। हरियाणा के द्वारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसमें बताया हरियाणा राज्य ने कुल खर्चा 2020-21 के दौरान 1,99,823 करोड़ रुपये कर दिया था। भाई खर्च टोटल हमारा इतना हुआ था, और 2020-21 के राज्य के प्रति व्यक्ति आय थी 2,59,535 रुपये थी, और 2 लाख में GST से प्राप्त हुआ 26,028 करोड़ रुपये में GST से प्राप्त हुआ। विभिन्न जो विभाग दे रखे हैं, इन विभागों के दौर के ऊपर कितना बजट पेश किया गया। हम बात करें एग्रीकल्चर पर हरियाणा का सबसे ज़्यादा बजट प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट हम बात कृषि कल्याण से संबंधित 2,998 करोड़ रुपये, सिंचाई विभाग पर 5,081 करोड़ रुपये, हॉर्टिकल्चर बागवानी पर 498 करोड़ रुपये, मत्स्य पर 125 करोड़ रुपये, एजुकेशन पर 18,410 करोड़ रुपये, और स्वास्थ्य पर 7,781 करोड़ रुपये, खेल पर 7,301 करोड़ रुपये इसके ऊपर खर्च किया गया। तो देखिए ये बजट 100 करोड़ रुपए का SYL पर खर्च किया जाएगा। आपके बार जो बजट है बड़ा इम्पोर्टेंट है, 100 करोड़ रुपए SYL के ऊपर खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं गन्नों और सोनीपत के अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी को भी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य में 2 स्मार्ट सिटी
और पंचकुला हिसार को विकसित किया जाएगा और पंचकुला को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। SC अनुसूचित जाति के लोगों को कानूनी सहायता करने के लिए 11,000 रुपये से बढ़ाकर 22,000 रुपये कर दी गई है। मेरे प्यारे साथियों, आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे। हरियाणा करंट से संबंधित CET में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। CET में पूछा था हरियाणा का एजुकेशन बजट कितना था, हरियाणा का एग्रीकल्चर बजट कितना था, या यूँ कहें बजट की बहुत ज़्यादा भूमिका रहती हुई।